अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम लोग करेंगे इंग्लिश 503 इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग क्विज़ नंबर 3। ये ओपन हुआ 18 सितंबर को और इसकी लास्ट डेट 19 सितंबर 2024 है। इसके 10 MCQs थे और इसके तकरीबन सारे जो MCQs थे वो मुझे हैंड आउट से उनके ऑप्शंस मिल गए थे, तो हैंड आउट से कंफर्म ये ऑप्शंस हैं, करेक्ट आंसर है सारे। फर्स्ट हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इंजन्स अलाउ द यूज़र टू सेलेक्ट मोर देन 2 अलाइंग कॉर्पोरा। तो ऑप्शन थे हमारे पास सर्च इंजन, डल इंजन, बिलिंगुअल इंजन या स्केच इंजन। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो स्केच इंजन था। सेकेंड हमारे पास, इंट्रोडक्शन, विच डिक्शनरी डिफाइंस फिक्शन एज लिटरेचर इन द फॉर्म ऑफ प्रोज एस्पेशली नॉवल डैट डिस्क्राइब इमेजनरी इवेंट्स एंड पीपल। तो ऑप्शन थे ऑक्सफोर्ड, द चैम्बर, मैरियम वेबसेटर और मॉकरीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो मैरियम वेबसेटर था। थर्ड हमारे पास है, इज़ द फॉलोइंग करेक्ट और इनकरेक्ट, अ कॉर्पस इज अ बॉडी ऑफ डाटा एंड लिंग्विस्टिक कॉल देयर बिग डाटा सेट्स कॉर्पोरा। तो ऑप्शन थे या फिर ये इनकरेक्ट है या फिर ये करेक्ट है। तो ये करेक्ट है क्योंकि ये हैंड आउट से कन्फर्म किया था। फोर हमारे पास, द इकोनॉमी ICE स्टैंड्स फॉर। तो ऑप्शन थे इंक्लूसिव कॉर्पस ऑफ इंग्लिश, इंटरनेशनल कॉर्पस ऑफ इंग्लिश, इंटेंसिव कॉर्पस ऑफ इमर्जिंग लैंग्वेज, इंटरनेशनल कॉर्पस ऑफ इमर्जिंग लैंग्वेज। ये दो सेम थे और इसका जो करेक्ट आंसर था वो इंटरनेशनल कॉर्पस ऑफ इंग्लिश था। फिफ्थ हमारे पास, इन द राइटिंग प्रोसेस प्लानिंग एंड प्रिपरेशन में ओवरलैप विद द डैश स्टेज। तो ऑप्शन थे द साइलेंस रिजर्वर, फ्लोइंग, बिगनिंग, इनक्यूबेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो इनक्यूबेशन था। सिक्स हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कॉर्पस कंटेन टेक्स्ट फ्रॉम डिफरेंट पीरियड्स। ऑप्शन थे मोनोलिंगुअल कॉर्पस, डायक्रोनिक कॉर्पस, पैरेलल कॉर्पस या मल्टीलिंगुअल कॉर्पस। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो डायक्रोनिक कॉर्पस था। सेवन हमारे पास, द सेकेंड स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिव राइटिंग इज। ऑप्शन थे इनक्यूबेशन, द साइलेंस रिजर्वर, ब्रेक ट्रुथ एंड फिनिश लाइन्स ऑन टाइटल। तो जिसका करेक्ट आंसर था वो ब्रेक थाट्स एंड फिनिश लाइन्स था। एट हमारे पास, ओवर द पास्ट डैश डिकेड कॉर्पस एविडेंस हैज़ नॉट ओनली बीन यूज इन लिंग्विस्टिक सर्च बट ऑल्सो इन द टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ लैंग्वेज। तो ऑप्शन थे 4, 2, 5, 3। तो जो करेक्ट आंसर था वो 2 था। नाइन हमारे पास, मोस्ट राइटर एग्री डैट द बेस्ट वे टू राइट वेल एंड क्रिएटिवली इज़ टू राइट फॉर। तो ऑप्शन थे सोसाइटी, योर सेल्फ, अदर्स, नेचर। जो करेक्ट आंसर था इसका वो योर सेल्फ था। टेन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सेकेंड प्रोसेस ऑफ क्रिएटिव राइटिंग। तो ऑप्शन थे प्रिपेयरिंग, बिगनिंग, प्लानिंग, इनक्यूबेशन। तो जिसका करेक्ट आंसर था वो प्लानिंग था। तो ये था आपके क्विज। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और व्हाट्सएप चैनल वीयू के अपडेट्स के लिए व्हाट्सएप का चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, उधर ज्वाइन कर लें। अल्लाह हाफिज़।